तो ये हैप्पी लाइटिंग करके स्कैप आता है, बट ये रेड में भाई बहुत ज़बरदस्त लगता है हमारा, मेरे को पर्सनली रेड अच्छा लगता है। डेमन आई मतलब शैतानी आँख मतलब लाल, तो ये रेड भाई, ये डे टाइम रनिंग लाइट्स की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत सही लगता है हमारा दिन के टाइम में। ये 20 इंच के हमारे लो प्रोफाइल एलोवेज, लो प्रोफाइल कह सकते हो, मिड प्रोफाइल आप इसको बोल सकते हो। तो भाई हम आ गए हैं महिंद्रा के ऑथराइज स्कॉर्पियो मॉडिफिकेशन सेंटर में, जो कि हमारे चमुंडा भाई का है। तो भाई इसको मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि महिंद्रा वाले ने खुद चमुंडा भाई को स्पॉन्सर करा है। क्यों भाई, झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, महिंद्रा सर्विस सेंटर है। तो ये चीज़ बिल्कुल सच बात है भाई, काम बोलता है। और आज जो काम हम लेकर आए बहुत ही ज़बरदस्त लेकर आए हैं। तो भाई चमुंडा भाई आज क्या खास रहने वाला है हमारी वीडियो में? आज हमने स्कॉर्पियो S4 को कन्वर्ट किया है, S4 Plus को S11 बनाया, S11 नहीं, बाकी अपनी तरफ से जो लगाना चाहा मैंने लगा दिया, मतलब अच्छा लुक दिया है, थोड़ी सी अच्छा लुक दिया। और सिस्टम का भी काम हुआ है? सिस्टम का काम भाई का हमारे यहाँ से नहीं हुआ है, सिस्टम का काम भाई ने कहीं और से करवा रखा था पहले, बाकी काम हमारे यहाँ से हुआ, और एक फ्रंट की जो ग्रिल है इनका ये हमारे यहाँ से। तो भाई टाइम को वेस्ट करे बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल जो जो सामान हमारा लगा हम बता देंगे, हमारे यहाँ से लगा, बाकी जो काम भाई का पहले हो रखा है कहीं और से काम करवा रखे थे, हमारे वीडियो देखा है, इनको लगा जो स्कॉर्पियो मेरी थोड़ी सी और चेंज हो सकता है जो ऑटो पे जा करके, तो आए और जो काम करवाया मैं बता दूँ क्या करना। चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो भाई आज हमारी स्कॉर्पियो दिखने में तो बहुत ही जबरदस्त लग रही है, आगे से हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज इसमें क्या लगाई है भाई तुमने? इसके अंदर भाई की ग्रिल पहले की लगाई है, एलईडी वाली नहीं है, एलईडी वाली है। और ये तुमने लगाई थी? नहीं, हमारे यहाँ का ये वाली फिनिशिंग नहीं होता, देखो ना अंदर अंदर घुसी हुई है। हाँ। हमारे यहाँ पे फिनिशिंग नहीं होता, okay. पहले का लगा हुआ है। हाँ। ये ABS गार्ड जो है। हाँ। ये भी पहले का लगा हुआ, ये पहले का लगा हमारा जो ऑटो का लगा हुआ है, ये शायद हमारे यहाँ से लगा था, हमारे यहाँ से लगा था, भाई ने पेंट करवाया बाहर जा करके, ब्लैक पेंट कराया से। हाँ, भाई ने पेंट करवाया बाहर से। बाकी इसमें फॉग लाइट देख सकते हैं, S4 प्लस में हमने S11 वाली फॉग लाइट डाले। बाकी हेडलाइट की बात अगर करें हम, तो उसके अंदर S7 वाली हेडलाइट को हमने DRL डाल के, एंजल आई डाल करके इसको हमने एंजल नहीं डेविल आई। तो फ्रंट से इसमें सबसे पहले इसमें डेमन आई डाला हमने हेडलाइट के अंदर, डेविल आई, डेमन आई, जो मर्जी आप बोल लो भाई, ये बहुत खा जो कि ऐप से चेंज होता है, ऐप से चेंज होता है, वो हम आपको चेंज करके दिखाते हैं। पर भाई फॉग लाइट वगैरह बंद कर दो, इससे हम एक प्रॉपर रिस्पॉन्स इसका चेक करा पाए। तो हमारे कालू भाई, भाई इधर आओ जरा, कालू भाई कैसे हो? इधर तो आओ कालू भाई। सर बिग फैन, शादी हो गई? अब तो बच्चे भी हो गए होंगे, 2 साल पहले बोला था शादी। तो तो भाई हम अपने काम पे फोकस करते हैं। हमारा ऐप से चेंज हो रहा कलर, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ऐप। तो ये हैप्पी लाइटिंग करके स्कैप आता है, बट ये रेड में भाई बहुत ज़बरदस्त लगता है हमारा, मेरे को पर्सनली रेड अच्छा लगता है। डेमन आई मतलब शैतानी आँख मतलब लाल, तो ये रेड भाई, डे टाइम रनिंग लाइट्स की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत सही लगता है हमारा दिन के टाइम में। ये देख लो भाई, तो ये चीज़ मैं पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ, मेरी होंडा सिटी पे मैंने लगवाई थी, जैसा आप लोग ने वीडियो भी देखी होगी, वही सेम चीज़ है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी इसके अंदर जो हमने चाइडी और LED का दिखा देते, रिस्पॉन्स क्या रहने वाला है? क्या लगाया भाई इसमें? ये चाइडी है, ये भी हमारे यहाँ से नहीं लगा हुआ, मैं क्यों बोलूँ, ये चाइडी LED इनका पहले की हेडलाइट में लगा हुआ था, जो कि मैंने इसी हेडलाइट में उसको, तुम चाहते तो बोल सकते हो, चमुंडा भाई ईमानदार बंदा है, झूठ बोलने का क्या मतलब, जो हमने फिर किया ये हाइजीन देख सकते हो। अभी हमने क्या डाला इसमें? ये लाइटिंग का पहले का, लाइटिंग का पहले का, अच्छा तुम दिखा रहे हो, मतलब ये काम हो रखा है, जो इसके अंदर व्हाइट बल्ब है इनका पहले का, और प्रोजेक्टर हमारा है। हाँ, प्रोजेक्टर हेडलैम्प डायमंड आई, प्रोजेक्टर कौन सा हमारा? S11 वाला, हमने S7 वाली हेडलाइट की प्रोजेक्टर है, हेडलाइट उसके अंदर हमने डायमंड आई डाले हैं और हेडलाइट DRL डाले हैं। ये S7 की हेडलाइट है? S7 की। क्या बात है, मतलब मौज आ गई बिल्कुल। और दूसरी चीज आप लोग देख सकते हो, ये 20 इंच के हमारे लो प्रोफाइल एलोवेज, लो प्रोफाइल कह सकते हो, मिड प्रोफाइल आप इसको बोल सकते हो, लो तो नहीं कह सकते, बट स्कॉर्पियो पे 20 इंच एलोवेज के साथ कुछ अलग ही लुक आ जाता है। तो एक बार साइड से आप लुक चेक कर लो, ये देखो भाई, जैसे हम बोलते हैं गैंगस्टर कार ऑफ इंडिया, एलॉयज के साथ अलग ही लुक बन जाता है हमारा। बाकी इसके अंदर देख सकते हो, S11 वाले हमने साइड पैनल डाल दिए, साइड वेंट इसे हम कहते हैं, साइड वेंट बंद कर दिया हमने, इंडिकेटर लगा दिए S11 वाली, इंडिकेटर वही साथ में हमारी, फुटरेस्ट के बगैर S11 लुक नहीं आता गाड़ी में, तो ये फुटरेस्ट भी हमने चेंज करा इसका, फुटरेस्ट
साथ। अच्छा भाई, S5 वाला जो फुट रेस्ट होता है वो भी S11 वाला बन जाता है? नहीं, S11 का अलग आता है। डोर वाइजर है हमारा, गैलियो रूफ रेल्स, गैलियो लीग है, ये लीग है, ये देख सकते हो। भाई कोई बंदे बोल रहे थे कि जे ऑटो ड्रिल करके नहीं लगाता, बंदे कह रहे थे, मैंने सुना था ये चीज। वो बोलने वाला कुछ बोल, हम तो करके दिखाते हैं। अब अगली बार से हम इंस्टॉलेशन दिखाएंगे कि हम ड्रिल करके कैसे लगाते हैं, वो बिल्कुल दिखा सकते हैं। और हमारे पास महिंद्रा जेन्युइन पार्ट है, एक बार भाई लटक के दिखाओ चमुंडो भाई अच्छे से। टेप वाला होगा तो हाथ में आ जाएगा, दोनों हाथ पकड़ के लटक जाओ और हिलाओ गाड़ी। ये देखो चाबी गिरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख लिया भाई आपने हमारा ड्रिल वाला हिसाब किताब, हम इस गाड़ी में करते हैं। बाकी अगर बैक प्रोफाइल में आते हैं हम, तो इसके अंदर जो स्पॉइलर है वो भी S11 वाला है। S11 वाला, इसके अंदर लाइट नहीं, लाइट नहीं है। ये महिंद्रा जेन्युइन है हमारा, ब्रेक लाइट यहाँ पे आ जाता है महिंद्रा जेन्युइन में। हाँ, ये हमारा डी पिलर है। ये कौन सी क्वालिटी है हमारी? ये जेन्युइन, जेन्युइन है जो भी जेन्युइन। बाकी ये जो टेल लाइट इनका S4 वाली रहने वाला है। S4 वाली। हाँ। अच्छा भाई इनमें फर्क क्या रहता है? व्हाइट ग्लास और रेड ग्लास के फर्क होता है। जो रेड ग्लास होता है वो S11 का होता है, S9 11 में आता है। जो बैक पहले वाला सीरीज था उसके अंदर व्हाइट ग्लास था। बेटी व्हाइट वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, अपनी अपनी चॉइस। अच्छा कोई चाहिए व्हाइट वाली लाइट तो मिल जाएगी? मिल जाएगी, प्रॉपर मिल जाएगी। ये बम्पर पट्टा हमारा रहने वाला है, ये भी भाई हमारा हीरो है हमारी फिल्म का, शाहरुख खान है हमारा। रिफ्लेक्टर लाइट रहने वाला है, रिफ्लेक्टर लाइट हमारा, हमारे फिल्म का शाहरुख खान है। एक ये और एक ABS गार्ड और एक ये हमारा BMC कवर। तो गाइस अब चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर आने से पहले मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा इसका वेलकम प्लेट जो कि हमने नहीं लगाई है अगेन, बार का 70 मैट भी पहले का है हमारा। जो इसके अंदर काम हुआ फ्लोरिंग हुआ है, फ्लोरिंग हुआ है, फ्लोरिंग लेमिनेशन वाली, लेमिनेशन वाली। भाई फ्लोरिंग के फायदे बता दो एक बार। इसके अंदर पहली बात तो स्मेल नहीं रहता, स्मेल नहीं आता, नहीं रहता, इसको सफाई इजी हम कर सकते हैं। ओरिजिनल कारपेट में कूड़ा चिपक जाता है जैसे, बिल्कुल। साइड ये देख सकते हो इंटीरियर, आज इंटीरियर भी कुछ खास रहने वाला है हमारा। कॉफी कलर कह सकते हैं इसको, कॉफी या चॉकलेट, लाइट कॉफी, लाइट कॉफी। साइड मिरर हमारा ऑटो वाले रहने वाला है, साइड मिरर हमारा ऑटो वाला रहने वाला है। ऑटो वाला, क्या बात है। S4 में भी ऑटो वाला रहने वाला है, जो कि यहीं से एडजस्टमेंट होता है। देख लो यहाँ की डंडी गायब हमने कर दी है। बाकी अगर अंदर आते हैं जी, आप इंटीरियर हमारा चेकआउट कर लो। और ये सबसे खास चीज़ है, ट्विटर की प्लेसमेंट आप लोग देख सकते हो कितनी बढ़िया हुई है, क्या बात है। मतलब भाई बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल जगह पे ट्विटर की प्लेसमेंट हुई है। कान में चींची करेंगे आपके। तो इधर आप चेकआउट कर लो भाई हमारा पिलर, और ये हमारा डैशबोर्ड, डैशबोर्ड की स्टिचिंग ये देखो स्ट्रेट बिल्कुल। गाइज एक वीडियो मैंने मिस कर दी बनानी, जिस गाड़ी में मैं आपको डिफरेंस दिखा देता इंटीरियर के काम में। एक गाड़ी आई थी जो MP07 थी, जिसका इंटीरियर पूरा तहस नहस हुआ हुआ था, कहीं से करवाया होगा बंदे ने, पहले कहीं से भाई करवा के आया था हमारे यहाँ पे सुधार करवाने आया, जय ऑटो पे वीडियो देख के सुधार कराने के लिए आए थे। तो भाई काफी खुश हो, और बिगाड़ा भी इसी मार्केट में हुआ था। बाकी वो छोड़ो, जान दो खैर। इसी आप देख सकते हो हमने स्टीयरिंग माउंटेड बटन्स लगाए जो कि हमारे S11 वाले रहने वाले हैं। S11 वाले रहने वाला है, सिल्वर पार्ट भी देख सकते हो इसके अंदर, सिल्वर वही की स्टीयरिंग ब्लैक हमने किए हैं। इंटीरियर तो बाकी इस कलर का हुआ, हमारा स्टीयरिंग ब्लैक रहने वाला है इसके अंदर, बिल्कुल S11 की गेटअप आता है इसमें, ब्लैक में है ना, बिल्कुल। बाकी गियर बोर्ड से भाई साहब को आराम रेस जो चाहिए था इसके अंदर नहीं चाहिए था, बोले थे मेरे को बॉक्स वाला चाहिए, कुछ सामान वगैरह रखना होता उसके लिए, इसलिए हमने आफ्टर मार्केट लगाए हैं। तो वीडियो में देख करके भाई लोग ना बोले कि जोटो पे अलग चीज लगा है, अलग चीज इसलिए लगा कि भाई की डिमांड था, कस्टमर की डिमांड, कस्टमर की डिमांड पे मैंने लगाया, बोले मेरे ग्लोव बॉक्स चाहिए जिसमें सामान वगैरह मेरे चाहिए होता है, इसलिए हमने डाले हैं। ठीक है जी, बाकी ऐसे लग रहा है स्टूल लगा दिया यहाँ पे, स्टूल आप वीडियो देख सकते हो जो कि हमारे DSP वाला रहने वाला है। और इसके अंदर थोड़ी सी स्टीरियो कौन सा है हमारा, थोड़ी सी ये नाकामिची का है, नाकामिची का ऊपर सनग्लास होल्डर देख सकते हो आप, बाकी हमने इसमें सनग्लास होल्डर लगाया, तो ये सनग्लास होल्डर आप चेकआउट कर सकते हो हमारा, बढ़िया करके आप स्कॉर्पियो में मजे ले सकते हो सनग्लास होल्डर के भी। रूफ ब्लैक करे है इसके, और इसकी सारी पिलर भी हम दिखा सकते हैं, देख सकते हो पिलर ए बी पिलर सी और डी, पूरा देख सकते हो पूरा रूट तक।
क्या बात है, मतलब और वही सीट कवर की फिटिंग देख सकते हो आप। रियर सीट में आपको पहले चेक कराया था, क्या बात है भाई, अल्टीमेट फिनिशिंग आई है हमारी, बढ़िया काम हुआ। सीट कवर आप देख सकते हो, हमारे फ्रंट सीट कवर्स, और मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ एक बार। तो पीछे हमारा सबवूफर रखा है जेएल ऑडियो का, और जेएल ऑडियो का ही हमारा एनक्लोजर रहने वाला है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। जेएल ऑडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ उस गाड़ी में क्या लगा हुआ। बाकी चैंपियन सीरीज के हमारे ओवल्स लगे हैं पाइनियर के, बहुत ज़बरदस्त आउटपुट आपको इसका सुनने को मिल जाएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी अब हमारा पीछे का टेल गेट देख सकते हो भाई, लोगों की काटती। भाई कहाँ से आए हो आप? भाई शाहदरा से। शाहदरा से, क्या नाम है भाई आपका? निखिल। और भाई आपका? अमन। क्या बात है, मतलब एक का फर्क है बस आपका मेरे नाम में। तो भाई काम कैसा लगा आपको? काम भैया एक नंबर है, कोई कंप्लेंट? विदाउट एनी कंप्लेंट, एक नंबर चामुंडा भाई के लिए। क्या बात है, मतलब जैसा आपने स्पेंड करा उस हिसाब से एक भी कंप्लेंट मिली, छोटी सी भी? विदाउट एनी कंप्लेंट नंबर वन। नंबर वन, ओके भाई, थैंक यू भाई, अच्छा लगा आपसे मिलकर। ओके।